अब आएगा मजा कश्मीर में। टप्पा टप टप्पा टप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सभी का अच्छा जा रहा होगा, और अगर नहीं भी जा रहा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात मैंने दो तीन वीडियोस में नहीं बताई थी तो आज बता दी। तो चलिए आज का एपिसोड हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे आए, सबकी बहनें सबकी बेटियां हैं, तो प्लीज खुदा के लिए आगे आए और इस चीज की जड़ें अभी काटे, इसको उगने से पहले काट दे। वहां पे लड़कियां रात के 10 बजे 11 बजे ट्रक से उतर रही है, तो ये चीज हमारे माहौल में हमारी सोसाइटी में ये चीज कंफ्यूज करती है इंसान को कि 10-11 बजे क्या हो रहा है। खुद से लड़कियों को भी देखा है, ठीक है, लड़कियां यहाँ की नहीं थी, बाहर की थी। अब ये ट्रांसजेंडर्स के बारे में मेरे को नहीं पता कि ये कहाँ से आए हुए हैं। शाम को अंधेरा होते ही कुछ लोग आपको रस्ते पे साइड पे नजर आएंगे जिनकी आप ड्रेसिंग से पहचान सकते हैं कि ये लोग क्या करने के लिए आए। तो हमने उसको पकड़ा, तो मैंने उसके साथ एज ए कस्टमर डील किया। मैंने उसे सीधा सवाल पूछा कि आप मुझे रेट बताओ, तो आप वीडियो में खुद सुन सकते हैं कि वो मुझे अपना रेट बताते हैं। लेकिन उसका चेहरा ना दिखने की वजह से मैंने अज्यूम किया कि शायद इसका चेहरा नहीं, मैं उसको दूसरे को बुलाया जिससे मैं आपके आप मतलब वो वीडियो में आपको सीधा समझ आ जाएगा। यार समझ नहीं आ रहा है कि कश्मीर में चल क्या रहा है, कहां किस दिशा में हम जा रहे हैं। कई सुसाइड केसेस देखने को मिल रहे हैं, कई एक दूसरे को मार रहे हैं। इंसानियत तो इस हद तक गिर गई है, अब लोग दुश्मनी निभाने के लिए एक दूसरे को पेप्सी ड्यू जूस की बोतल में जहर दे रहे हैं। अब ये गलाजत ये गंदगी हमें देखने को बाकी थी कि बाहर से प्रोस्टिट्यूट्स को लाया जा रहा है और यहाँ पे भी वही कश्मीर में वही धंधा स्टार्ट किया जा रहा है जो दिल्ली में या इंडिया की किसी भी स्टेट में चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को लेके बिल्कुल खामोश है। आज 5-6-7 दिन हो गए इस इंसिडेंट को, जब हमारे एक कश्मीरी भाई ने इस चीज को ऑब्जर्व किया श्रीनगर के नटीपुरा नौगाम इलाके में, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब हमारी बहनें हमारी माएँ अपने घरों में भी सेफ नहीं रहेंगी। घर से बाहर निकलना ये तो दूर की बात है। आई मीन कि जिस कश्मीर को लैंड ऑफ पीस कहा जाता है, जिस कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है, उसी पैराडाइज को कंटेमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। और कोई अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा है, इशू रेज कर रहा है, तो उसकी आवाज़ कहीं नहीं पहुँच रही है। इनफैक्ट उस इंसान को, जो इंसान इस चीज को लेके बात करता है, अपनी आवाज उठाता है, उसी इंसान को नुकसान किया जा रहा है। ये एक इंडिविजुअल लेवल पे मतलब हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज को लेके आवाज उठाएं। एक ग्रेव कंसर्न है, इस चीज को लेके प्रोटेस्ट होना चाहिए। और गवर्नमेंट से भी एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही अपील रहेगी हर एक कश्मीरी इंडिविजुअल, तो प्लीज एंड प्लीज एक्शन लीजिए ताकि बाहर का माहौल यहाँ पे ना अडॉप्ट हो जाए। क्योंकि अगर कश्मीरी यूथ में ये लत लग गई तो अल्लाह ही मालिक है फिर हमारे कश्मीर का, एंड स्पेशली जिस जमीन को, जिस कश्मीर को मतलब पीस के नाम से जाना जाता है, अमन के नाम से जाना जाता है, उस कश्मीर को हर एंगल से हर एस्पेक्ट से कंटेमिनेट पल्यूट किया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि इस चीज़ को बढ़ने ना दे, और इन भाई साहब ये जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे मैं कह रहा हूँ कि हर किसी इंसान को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए है। बाकी अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो दबा के शेयर करना ताकि हर इंसान तक पहुंचे, ताकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे कि नहीं कश्मीरी खामोश नहीं है, कश्मीरियों में गैरत है कुछ करने की। तो अगले वीडियो तक बने रहे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, लव यू ऑल।